आपको एक लैडर गिवन है। ये लैडर के अंदर दो लेग्स हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, इस लैडर के टॉप पे बैठा है, तो फ्रिक्शन नहीं है। ये बंदा बैठ गया, अब क्या होगा, लैडर फिसल जाएगी। आपके घरों में भी ऐसी लैडर होती है, इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं, या एल्युमिनियम की सीढ़ी आती है, वो भी बहुत फिसलती है। लेकिन उसमें ना एक स्ट्रिंग लगी होती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक धागा लगा होता है जो इसको बांध के रखता है, ताकि ये बंदा इधर जाए तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, ताकि इसको बांध के रखे और ये स्लिप ना हो जाए। तो क्वेश्चन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन TNT आ गई, ये मैन इसके ऊपर बैठा है, यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट लेग है, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N1 है और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N2 है। डिस्टेंसेज आपको गिवन है, ये एक्स गिवन है, ये वाई गिवन है, ये एक्स गिवन है, और कोई फ्रिक्शन नहीं है। न्यूमेरिकल क्या आएगा मालूम नहीं है, पर इतना पक्का पता है कि एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये मूव नहीं कर रहा, ना ही ये घूम रहा है, ना ही ऐसे कर रहा है कि घूमता हुआ ये लैडर जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर आ रही है, कुछ नहीं है, ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम दो किस्म के लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस और लेफ्ट की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्सेस। तो ऊपर की कौन कौन सी फोर्सेज हैं, N1 है और N2 है, और नीचे की कौन कौन सी फोर्सेज हैं, W। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू W। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स को वैसे ही कैंसिल कर रही है T, इसकी तो बात ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आप कोई भी, देखो दो लेग्स हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो आप कोई भी एक लेफ्ट लेग ले लो, जैसे ये आपने एक लेग ले ली, ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रही। और लैडर की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, एक लाइन खींच लो और लाइन के इस पार और इस पार जो फोर्सेज हैं, वो जो टॉर्क जनरेट करेंगी, वो इक्वेट कर दें, तो उस तरफ कौन सी फोर्स है, N1, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, ओ। देखो ना, अगर ये लैडर ऐसे घूमेगी तो एक्सिस कहाँ से पास करेगा, ओ से पास करेगा, यहाँ पे ये रहा, तो इसके अबाउट रोटेट करेगी। तो ओ से अगर रोटेशन है तो W का टॉर्क तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि तो एक्सिस के ऊपर काम कर रही है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। अगर हम N1 की बात करते हैं, N1 का क्या टॉर्क जनरेट होगा, N1 इंटू क्या, N1 को चाहो तो यहां तक ले जाओ, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ऑब्वियसली क्या होगा इसमें, x। और वैसे भी अगर फोर्स आपकी वाई एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में आएगा, x में, तो क्या आएगा, N1 इंटू x। W का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, T का क्या टॉर्क होगा, T फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या आएगा, y। तो दूसरा टॉर्क क्या आएगा, T इंटू वाई। तो अब आपके पास यहां पे अगर आप चेक करो, तो एक इक्वेशन तो आपके पास के फोर्सेस की आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T इंटू वाई। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों यहां से N1 की वैल्यू आ गई, इस N1 की वैल्यू को यहां पुट करके N2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। N1 तो आ ही चुका है, N1 को उठा के यहां पे पुट करके N2 निकाल लेना, ऑप्शन में मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम लैडर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। इसमें लैडर की एक और प्रॉब्लम मॉडिफाई होके आई कुछ इस तरीके से। इस बार इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कहा गया, ये ना करेक्शन कर लेना, ये X3 ये नहीं है, ये X3 है, ये डिस्टेंस X3 है, इसमें करेक्शन कर लेना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस X3 है बुकलेट में। अब क्या है, ये फिर से एक लैडर है, इस बार जो वेट लगाया गया वो वेट यहां नहीं लगाया गया, वो वेट यहां लगाया गया, ठीक। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है फिर से एक बार। अब आपको इक्वेशन बनानी है, यहां नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 बनेगा ही बनेगा, वेट W बनेगा ही बनेगा, और टेंशन T बनेगी बनेगी, सेम फोर्सेस है। तो पहला ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। ऊपर की कौन कौन सी फोर्सेस हैं, N1 प्लस N2, और नीचे की फोर्सेस कौन सी हैं, W। तो क्या आएगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू W। नेक्स्ट है, अब आप एक लैडर
के अंदर से एक लाइन खींच लें, जैसे हमेशा खींचते हैं ये लोग, ये लाइन खींच ली, इस लाइन के इस पार और इस पार फोर्सेस देख लो, एक N1 फोर्स है और एक W फोर्स है और एक T फोर्स है। तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। N1 का टॉर्क क्या होगा, N1 इंटू X1, N1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है X1, तो N1 इंटू X1। W का टॉर्क क्या होगा, मैंने ये कटवा दिया, इसकी जगह ये X3 कर दिया, ये डिस्टेंस X3 है, तो क्या होगा W यानी कि फोर्स वाई एक्सिस में, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस एक्सिस में निकलेगा, एक्स में निकलेगा, तो W इंटू कितना X3, कोई डाउट इसमें, तो W इंटू X3। और टेंशन T का टॉर्क क्या होगा, T इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है X4। तो कुछ नहीं करना आपने, एक लैडर लेनी है, इस तरफ की और इस तरफ की फोर्सेस काउंट करनी है, इस तरफ की फोर्स का टॉर्क निकालना है, इधर की फोर्स का टॉर्क निकालना है और इक्वेट कर देना है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आप चेक कर लो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन में N1 का जो टॉर्क है वो W और T के टॉर्क के बराबर है। इसे सॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम आएगी N1 N2 सॉल्व कर लेना, मैंने मतलब मेथड डिस्कस की है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शीट में आपको मिल जाएगी, उसमें ये डिस्कस किया होगा। मेथड समझ में आ रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम कैसे डिस्कस होती है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर इसका जो दूसरा नाम है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। तो आपको जब बुक्स के अंदर टॉपिक मिलेंगे, वो कई बार कई बुक लिख देती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का टॉपिक है, तो ये ना सोचना कि हमने किया नहीं हुआ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क एक ही बात है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क एक ही बात है, जिसके अंदर कैटेगरी ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक?